पूरा पाकिस्तान मानता है हमारा वज़ीर-ए-आज़म सिलेक्टेड और जाली है। इलेक्शन में आपके वोट को चुराया गया, हर सियासी मुखालिफ को गिरफ्तार किया गया। कठपुतली और धांधली ज़दा हुकूमत अवाम के हुकूक दबा रही है। बिलावल भुट्टो जरदारी का जलसे से खिताब, बोले कठपुतली वज़ीर-ए-आज़म ने मुल्क की खुद मुख्तारी पर समझौता कर लिया। नैब और मईशत साथ साथ नहीं चल सकती। जब से ये सिलेक्टेड हुकूमत आया है तो आपके जमहूरी हकूक पे हमले हुए हैं, आपके इंसानी हकूक पे हमले हुए हैं, आपके मुआशी हकूक पे हमले हुए हैं। एक साल बाद पूरा पाकिस्तान मान लिया है, हर पाकिस्तानी माना है कि हमारा वजीर आजम अवामी नुमाइंदा नहीं है, हमारा वजीर आजम मुंतखब वजीर आजम नहीं है, हमारा वजीर आजम कठपुतली वजीर आजम है, हमारा वजीर आजम सिलेक्टेड वजीर आजम है। हर सियासी मुखालफीन को गिरफ्तार किया गया है, सदर सरदारी साहब को भी गिरफ्तार कर दिया गया। तिबी सहूलियात नहीं दिए जा रहे हैं, दबाव में डालने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवाम के हकूक पे समझौता करे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दबाव की वजह से जमहूरियत पे समझौता करे, इनकी भूल है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जिया और हक के आमरियत का मुकाबला किया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुशरफ का आमरियत का मुकाबला किया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस नाअहल नालायक कठपुतली वज़ीर-ए-आज़म का भी मुकाबला करेंगे।